किसी को दृष्टि मतलब कुछ भी चीज़ में परेशानी आ रही है तो याद रखना, देखो इधर तुम्हारी दृष्टि जो है ना वो थोड़ी थोड़ी वीक होने लगी है, और इस बात को कबूल कर लेना, बुरा मानने की बात नहीं होती है इसमें, इस बात को तुम्हें मान लेना चाहिए। अब मान लेने में ही समझदारी है। देखो इधर आँख वो चीज़ है कि आँख में अगर जो एक बार दोष उत्पन्न हो गया ना तो आँख का इलाज ही नहीं है। अगर कोई सोचे मैं नई आँखें पड़वा लूँ भाई साहब, वो भी सेट नहीं बैठती हैं। अगर तुम सोचो आँखों का ऑपरेशन करवाना है, ये भी कुछ नहीं होता, वो ऊपर से परत हटा के दूसरी परत लगाते हैं, लेंस बदलते हैं, वो भी काम नहीं बैठते हैं। यानी कि आँख में अगर एक बार दोष उत्पन्न हो गया, चाहे निकट दृष्टि दोष हो या दूर दृष्टि दोष हो, तो उसका इलाज है ही नहीं, उसका इलाज है सिर्फ चश्मा। चश्मा पहनो। अब चश्मा पहनना बुरी बात नहीं है। अब मैं बताता हूँ क्या है, जैसे कोई लड़का है वो अभी इस यानी बहुत सारे हर साल मेरे पास ऐसे बच्चों की दिक्कत आती है, सर जी पीछे से दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे आगे बिठा लो, मुझे आगे से बैठ के दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे वहाँ बिठा लो, सर जी मुझे ऐसे हर साल आते हैं। तो उसमें क्या है, अगर जैसे तुम्हारे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, तुम जाकर अपनी आँखों का चेकअप करवाओ, 150 रुपये वैसे तो फ्री में कर देते हैं डॉक्टर, घबराने की जरूरत नहीं होती है। जब तुम उनसे कहोगे ना कि चश्मा बनवाना है तो वो फ्री में भी करवा देते हैं ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 17-18 रुपये की मात्र पर्ची बनती है, फ्री में चेकअप होता है तुम्हारा। अब चेकअप करवाओ, सुनो उधर, जैसे तुम्हें हल्का हल्का धुंधला सा दिखाई देना स्टार्ट हुआ ना, हल्का हल्का धुंधला दिखाई देना स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा ही जब स्टार्टिंग स्टेज है, तुमने चेक करवा लिया, तुम्हारा नंबर 0.5 आया, कोई ज़्यादा वाला नंबर नहीं होता, 0.5 प्लस या माइनस में आया, ये नॉर्मल है, थोड़ा बहुत दोष उत्पन्न हो गया तो तुमने चश्मा बनवा लिया, तुम्हारा नंबर अब यहीं रुक जाएगा, हो सकता है तुम्हारी आँखें ठीक हो जाए। लेकिन तुम भाई साहब आँखें मींच मींच के देखते रहे, रोज़ देख रहे हो, रोज़ आकर पढ़ लो, रोज़ वाइट पेपर के सामने आ रहे हो, रोज़ तुम देख रहे हो, तो पता क्या होगा, ये नंबर बढ़ता रहेगा, 0.6 हो जाएगा, 7, 8, 9, 1 हो जाएगा, फिर 1.5 हो जाएगा, 2.2, 2.25, और इसके बाद तो भाई साहब फिर तुम्हें मोटे मोटे लेंस लगाने पड़ेंगे जो साफ साफ दिखाई देंगे कितने मोटे लेंस इसके चश्मे में हैं, और फिर नज़र जो ना बढ़ती रहती है। तो इसलिए अगर किसी को दिक्कत आ रही है, जैसे अभी कह रहे छोटा दिखाई दे रहा है या दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसलिए यहाँ तुम्हारे लोकल में या काजू में कहीं भी अपने थोड़ा चेकअप करवा लो। अगर कोई नंबर का दोष आता है तो चश्मा पता है क्या करना है, हमेशा नहीं पहनना है, जब तुम पढ़ने बैठो ना पढ़ने, या जब तुम यहाँ कोचिंग आ रहे हो तो चश्मा साथ लगाओ, छोटे से तो बॉक्स में आता ही है वो, उसे लगा लो, उससे क्या होता है तुम्हारी दृष्टि वहीं रुकी रहेगी। अब क्योंकि यार पढ़ने के टाइम पर यहाँ से क्यों करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टेड जो पृष्ठ होता है ना, सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टेड पेज जो जो किरणों को आँखों सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है वो वाइट पेपर होता है, ब्लैक पेपर नहीं वाइट पेपर होता है। अब वाइट पेपर से टकरा कर किरणें सबसे ज़्यादा वापस आती हैं, अब वो रेटिना पर उतनी ज़्यादा प्रभावित करती हैं, ब्लैक हो या जितना भी, ये तुम्हारा बिबग्योर के हिसाब से नियम होता है। तो याद रखना सबसे ज़्यादा नुकसानदेह कलर जो होता है ना, जैसे तुमने ये पढ़ा होगा बिबग्योर करके पढ़ लेते हैं, रेड कलर सबसे ज़्यादा नुकसान देता है, सबसे ज़्यादा आरामदेह रंग जो होता है ना वो बैंगनी या ब्लू वगैरह ऐसे कलर होते हैं, ब्लैक या ब्लू सबसे डार्क कलर होते हैं, ये हमारी नज़रों को सुग्राहिता अच्छी होती है इनकी, हमारी आँखों को कम प्रभावित करते हैं, रेड कलर सबसे ज़्यादा पड़ता है। इसलिए मना किया जाता है भाई रेड पेन से नहीं लिखना है, वरना अगर जो रेड पेन अच्छा होता ना तो जितने भी ये पहले से ही सरकार ने संविधान में सब में शिक्षा में बता दिया कि बच्चों को नीले पेन से ब्लैक पेन से लिखना है, तुम्हें हरे पेन से क्यों नहीं बोला, या तुमसे लाल पेन से क्यों नहीं बोला, कोई और रंग से क्यों नहीं बोला, क्योंकि ये इनकी फोकस दूरी और तरंग दे दिया सबसे ज़्यादा होती है लाल रंग की, ये आँख के रेटिना को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं, दूर से रिफ्लेक्ट कर देती हैं, और दृष्टि जहाँ तुम्हारी 30-40 साल में जाकर थोड़े बहुत दोष आता है वो पहले ही आ जाता है। इसलिए रेड वेड पेन से थोड़ा बहुत दिखा हेडिंग वेडिंग डाल दे ठीक है, लेकिन लगातार पेज पर नहीं लिखना चाहिए वो, ना तो रात में दिखाई देगा, और हरे पेन से इसलिए नहीं दिखाई देना चाहिए क्योंकि उसकी रिफ्लेक्शन नहीं होता है, तो वो हमें बहुत आगे गड़ा के देखना पड़ेगा तो प्रभावित होगा। इसलिए तुम्हें हमेशा ये बोला जाता है कि नीले पेन से और ब्लैक पेन से लिखो, ताकि आँखों पर कम वो पड़े, प्रभावित हो और कम इफेक्ट पड़े। और अगर किसी को छोटा मोटा दोष आ रहा है या कुछ आ रहा है, पीछे बैठ के दिखाई नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा है, तो आराम से अच्छा चेक करवाओ, और चेक करवाने के बाद में जो भी नंबर आ रहा है भाई साहब उसका चश्मा हमेशा मत पहनो, जब घर में पढ़ रहे हो तब पढ़, या जब यहाँ बैठ कर पढ़ लो कहीं पढ़ लो तो उस टाइम पर यूज़ करो, दृष्टि रुकी रहेगी, बढ़ेगी नहीं तो रुकी रहेगी, हो सकता है थोड़े दिन में तुम बिना चश्मे के भी देखने लगो ठीक हो जाए। लेकिन याद रखना अगर एक बार आँखें खराब हो गई, अंबानी चश्मा लगाते हैं, मुकेश अंबानी, अमिताभ बच्चन चश्मा लगाते हैं, शाहरुख खान की फिल्में तुम देखते हो, फिल्मों में चश्मा नहीं लगाता लेकिन रियल लाइफ में चश्मा लगाते हैं, दिखाई नहीं देता उन्हें जब कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो। अब तुम सोचो शाहरुख खान पे पैसे कमी है, आदमी तक खरीद लेगा माय बॉडी पार्ट के, आदमी तक खरीद लेगा, अमिताभ क्या नहीं कर सकता, अंबानी सारा आँख ही खरीद सकता आदमी के बराबर, तो क्या नहीं कर सकता, लेकिन वो लोग भी चश्मा लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि भाई साहब इसका अभी कोई स्थायी जो स्थायी ट्रीटमेंट होता है, स्थायी कोई दवाई होती है बनी नहीं है, एक बार दोष हो गया तो समझ लो हो गया। इसलिए किसी को जैसे कोई दिक्कत हो रही है, दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं दे रहा, तो आराम से चश्मा बनाओ, 200-300 रुपये का छोटा सस्ता चश्मा बन जाता है आराम से, कोई बड़े वाली डिज़ाइन विजाइन बनाने का कि मुझे इस फ्रेम में चाहिए, मुझे गोल्डन फ्रेम में चाहिए, मुझे उसमें चाहिए,
उसके वजह से प्लास्टिक फ्रेम वाला लो, 50-60 रुपये फ्रेम आता है 100 रुपये का, और 100-200 के लेंस आते हैं, आराम से सस्ता चश्मा बना के अपने उसे बचाव करो। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस लगाया जाता है, और दूर के दृष्टि के जैसे दूर दृष्टि उत्तल लेंस लगा रहे हैं तो फोकस दूरी प्लस में आएगी तुम्हारी, जो दोष आएगा प्लस में आएगा। और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस लगाया जाता है, और निकट का जो वो माना आएगा माइनस में आएगा, माइनस का एक माइनस का दो माइनस का तीन।